रैम, आखिर ये रैम होती क्या है और उसका कितना होना ज़रूरी है और उसके आपके मोबाइल में काम क्या होता है, उस सबके बारे में बात करेंगे और आपके मोबाइल में कितना जीबी रैम होना चाहिए, सारे डाउट क्लियर होंगे। मैं हूं शेजाद पटेल और प्रोवा मोबाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करें रैम की, तो रैम का जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का जो काम होता है वो जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो इंटरनल स्टोरेज के अंदर, वहाँ से जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो वो जाता है सीधा रैम के अंदर और रैम पहुँचाती है प्रोसेसर के अंदर। जो आपका डेटा इंटरनल स्टोरेज के अंदर है वो फटाक से स्टोरेज करना, जब भी आप वो एप्लीकेशन ओपन करते हो वहाँ से वो एप्लीकेशन उठ के आपके रैम में जाती है और रैम में से जाती है आपके प्रोसेसर के पास, वहाँ से आप बारे से ओपन कर। मतलब आपको एक घर बनवाना है, उसके ऊपर आपने क्या बनवाया एक स्ट्रक्चर, बाद में जब भी वो स्ट्रक्चर आपको अगर उस ज़मीन पे आपको घर बनवाना है तो आपको जरूर पड़ेगी एक इंजीनियर, यानी इंजीनियर हो गया आपका रैम और स्ट्रक्चर हो गया आपका एप्लीकेशन और जो ज़मीन है वो हो गया आपका मोबाइल। यहाँ पे होता क्या है, अगर आपने जो स्ट्रक्चर तैयार किया वो जाएगा रैम के पास यानी इंजीनियर के पास और इंजीनियर उसके थ्रू काम करेगा उस ज़मीन पर, वहाँ पे आपका घर बनना स्टार्ट होगा। वैसे ही कुछ मोबाइल में रैम का इस्तेमाल किया जाता है, जब भी कोई आप एप्लीकेशन ओपन करते हो तो वो एप्लीकेशन जाती है रैम के अंदर, या फिर कोई भी डेटा समझ लो जो भी रन करना हो प्रोसेसर के थ्रू रन होता है, जो भी प्रोसेस होती है उसको पहले जाता है रैम के पास, यानी एप्लीकेशन आपका जो डेटा है वो ओपन होता है सीधा जाता है रैम के अंदर और रैम के पास से जाता है प्रोसेसर के अंदर। दोस्तों ये ठीक उस रैम के बारे में इन्फॉर्मेशन जो मैंने सिंपल वर्ड में आपको समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर बताए कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।